बढ़िया खबर YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने रामायण सीरियल तो जरूर देखी होगी और रामायण के सभी कलाकारों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वैसे आज हम बात करने वाले हैं रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों की बेटियों के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। 90 के दशक में आए रामानंद सागर के पौराणिक सीरियल रामायण ने बहुत से कलाकारों को खास पहचान दिलाई है। रामायण सीरियल को लोगों ने इतना पसंद किया कि इस सीरियल में काम करने वाले सभी कलाकारों को घर घर में उनके किरदार से लोग जानने लगे थे। आपको बता दें, रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम दीपिका चिखलिया है। दीपिका चिखलिया बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही है। उनकी खूबसूरती की फैंस अक्सर तारीफ करते रहते हैं। दीपिका चिखलिया के पति का नाम हेमंत टोपीवाला है। इन्होंने 23 नवंबर 1991 को शादी की थी। दीपिका चिखलिया की तरह उनकी दो बेटियां भी काफी खूबसूरत नजर आती हैं। जी हां, दीपिका चिखलिया की दो बेटियां हैं जिनका नाम जूही टोपीवाला और नीति टोपीवाला है। यह दोनों ही खूबसूरती में अपनी माँ से कम नहीं है। इतना ही नहीं, जूही और नीति खूबसूरती में बॉलीवुड के कई स्टार किड्स को भी मात देती हैं। दीपिका चिखलिया अक्सर अपनी बेटियों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। बता दें कि दीपिका चिखलिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली अभिनेत्रियों में से भी एक हैं। वे अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए अक्सर खास तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। दीपिका चिखलिया की बेटियां जूही और नीति फिलहाल एक्टिंग की दुनिया से खुद को दूर रखती हैं। वही बात करें दीपिका चिखलिया के वर्क फ्रंट की, तो वह भी इन दिनों पर्दे से दूर है। आखिरी बार उन्होंने अभिनेता आयुष्मान खुराना, यामी गौतम और भूमि पेडनेकर की फिल्म बाला में देखा गया था। फिल्म बाला साल 2019 में आई थी और इस फिल्म में दीपिका चिखलिया ने यामी गौतम की माँ का रोल निभाया था। वैसे टीवी सीरियल रामायण में सीता का रोल आपको कैसा लगा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।